और जब वो खाना खा चुके, यीशु ने शिमौन पतरस से कहा, ए शमून यूहन्ना के बेटे, क्या तू इनसे ज्यादा मुझसे मोहब्बत रखता? हाँ खुदावन, तू जानता है मैं तुझे अजीज रखता हूं। तू मेरे भेड़े चरा। उसने दोबारा उससे फिर कहा, ए शमून यूहन्ना के बेटे, क्या तू मुझसे मोहब्बत रखता है? हाँ खुदावन, तू जानता है कि मैं तुझे अजीज रखता हूं। तू मेरी भेड़ों की गल्ला बानी कर। यीशु ने तीसरी बार उससे कहा, शमून यूहन्ना के बेटे, क्या तू मुझसे मोहब्बत रखता है? इस सबब से पतरस दिलगीर हुआ, क्योंकि यीशु ने तीसरी बार उससे पूछा, क्या तू मुझे अजीज रखता है? बस उसने यीशु से कहा, खुदा तू तो सब जानता है, तुझे मालूम है कि मैं तुझसे मोहब्बत करता हूं। तू मेरी भेड़े चल। मैं तुझसे सच कहता हूं कि जब तू जवान था तो आप ही अपनी कमर बांधता था और जहां जाता था वहीं था, मगर जब तू बूढ़ा होगा तो अपने हाथ लंबे करेगा और दूसरा शख्स तेरी कमर बांधेगा। चलो बैठो। और जहां तू ना चाहेगा वहां तुझे ले जाएगा। इन बातों से यीशु ने इशारा कर दिया कि पतरस को किस तरह की मौत आएगी और वो खुदा का जलाल जाहिर करेगा। जब यीशु ने उससे कहा, पतरस ने मुड़कर उस शागिर्द को पीछे आते देखा, मेरे पीछे हो ले, जिससे यीशु मोहब्बत करता था और जिसने शाम के खाने के वक्त यीशु के सीने का सहारा लेकर पूछा था कि खुदाबंद तेरा पकड़वाने वाला कौन है। जब पतरस ने उसे देखा तो यीशु से पूछा, खुदाबंद इसका हाल क्या होगा? अगर मैं चाहूं कि ये मेरे आने तक ठहरा रहे तो तुझको क्या, तू मेरे पीछे हो ले। बस यीशु के शागिर्दों में ये बात मशहूर हो गई कि वो शागिर्द ना मरेगा, लेकिन यीशु ने उससे ये नहीं कहा था कि ये ना मरेगा, बल्कि ये कि अगर मैं चाहूं तो ये मेरे आने तक ठहरा रहे तो तुझको क्या। ये वही शागिर्द है जिसने इन बातों की गवाही दी और जिसने इनको लिखा, और हम जानते हैं कि उसकी गवाही सच्ची है। और भी बहुत सारे काम हैं जो यीशु ने किए, अगर वो जुदा जुदा लिखे जाते तो मैं समझता हूँ कि जो किताबें लिखी जाती उनके लिए दुनिया में गुंजाइश ना होती।